आपको एक आदमी बता दो, सोसाइटी को तो एक कल बोली सर, सोसाइटी की सरकार सोसाइटी का कर्जा माफ कर सकती है, बड़े बैंकों का कर्जा भारत सरकार करती है। पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए फिर कर देंगे बैंकों का बड़ा कर्जा, बड़ा तो सही राहुल गांधी को एक बार। हमारे अगर कोऑपरेटिव का एक का भी कोई बीजेपी वालों ने बता दो कि नहीं माफ हो, एक बार नहीं दो दो बार हो गया कहीं का, तो भाई ईमानदारी से तो कह करो कौन हो गया दो दो बार। आज बिना ब्याज का पैसा किसने दिया? या अशोक गहलोत ही राजस्थान का मुख्यमंत्री जिसने किसानों की के ऊपर ध्यान दिया, नहीं किसी ने नहीं दिया। पहला कोई 15% 14% ब्याज ले सोसाइटी, आज जब वसूली करे थे ना गाड़िया भाग गए थी पांच। ये बहुत बड़ा फैसला है बिना ब्याज का पैसा। जब मैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर था मैंने कहा साहब बिना ब्याज करो नहीं तो ये किसान कभी नहीं उठ पाएंगे। बिना ब्याज का पैसा राजस्थान में मिलता है, हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं मिल रहा। बिना ब्याज का 1.5 लाख था, कोई 50,000 कोई 1 लाख, भाई भाई को नहीं देता है, वो भी 3-4 रुपए सैकड़ों लेते और साल दो साल लेते जमीन जोत ले फिर साठ में भाई की जोत लेते हैं। बहुत उदाहरण है ऐसी। ये सरकार ने इतना बड़ी सहूलियत आपको 15,000 करोड़ का कर्जा राजस्थान को दिया, जिसमें अकेले लालसोट का 100 करोड़ का कर्जा है, 100 करोड़ का लोन दो बार माफ हो गया लोग माने तो। ये बीजेपी वाले तो ज्ञान नहीं इनको, तो ये तो भाषण देते कर्ज माफ रहे तुम्हारे थारो खातों बता दे भाई, तो भी बता दे थारा कतरा हो गया, थारा बाप का कतरा हो गया, थारा भाई का कतरा हो गया, एक एक अकाउंट है हमारे पास। इसलिए कर्जा माफ किया सरकार जो वायदे किए, फ्री दवाई सब अस्पताल, रामगढ़ जाओ जयपुर जाओ आपको ना कोई एक्सरे के पैसे लगे ना सोनोग्राफी के लगे ना आपको कोई दवाई के पैसे लिए, 10 लाख तक का इलाज फ्री है, कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं है। प्रधानमंत्री आए थे मानगढ़, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चिरंजीवी योजना पूरे हिंदुस्तान में लागू करो, प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया, कहीं भी नहीं है। 10 लाख का इलाज फ्री, बड़ी बीमारी हो जाए तो आदमी को चिंता ही नहीं, जैसे डिलीवरी फ्री कर दी थी वैसे पूरा इलाज भी फ्री कर दिया, चिंता ही कौन 10 लाख तक की तो हर परिवार को। इसलिए इतना बड़े काम करने के बाद भी आज वो इतना बड़ी बात जो हुई है विकास की बात है।